नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम देखने वाले हैं इतिहास के मुगल साम्राज्य के शेरशाह सूरी के बारे में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी के शासनकाल की समय सीमा कितनी थी? तो कितनी थी, 1540 से 1545 ईस्वी तक थी। शेरशाह का जन्म कब हुआ था? तो शेरशाह का जन्म कब हुआ था, 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी, अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहनी ने दी थी। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, 1540 ईस्वी पिलक राम युद्ध के बाद बैठा था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, डाक प्रथा, पट्टा प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था, शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे, शेरशाह सूरी के समकालीन थे। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था, इस्लाम शाह था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, राई पद्धति अपनाई गई थी। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1545 ईस्वी में हुई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। अब जानेंगे अकबर के बारे में। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, 1556 ईस्वी में पंजाब के कलनौर में हुआ था। अकबर किसकी उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? तो कौन था, बीरबल था। बीरबल का बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। टोडरमल ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो कौन सी व्यवस्था लागू की थी, 1580 में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को किसकी उपाधि प्रदान की थी? तो किसकी उपाधि प्रदान की, जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन, बचपन का नाम पंडित रामतन पांडे, जन्म ग्वालियर में हुआ था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो कौन थे, अब्दुल समद थे। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या थी, मनसबदारी प्रथा थी। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासन को कहा जाता है? तो किसके शासन को कहा जाता है, अकबर के शासन को कहा जाता है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो कौन थे, शेख सलीम चिश्ती थे। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। चार बाग बनवाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी? तो किसके समय में शुरू हुई थी, अकबर के समय में शुरू हुई थी। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो किस प्रसिद्ध महिला का शासन था, रानी दुर्गावती का। किस मुस्लिम विद्वान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान था? तो किसका था, अब्दुल रहीम खान खाना का था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 ईस्वी में आगरा के निकट सिकंदरा में हुई थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी, अब्दुल फजल ने की थी। नमस्कार।